नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन शुरू होने के चंद दिनों बाद युवती को इतने सितम झेलने पड़ेंगे, वो इस बात से अनजान थी। हैवान बन चुके पति ने अपनी पत्नी पर इतने जुल्म किए, शायद उसके शरीर पर ये चोटों के निशान दर्द की कहानी बयान कर रहे हैं। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरह से युवती के साथ जमकर मारपीट की गई, फिर उसके हाथ पैरों को जलती हुई सिगरेट से जलाया गया। जब इसमें भी उसका मन नहीं भरा तो उस हैवान पति ने अपने दोस्तों का मन बहलाने के लिए पत्नी को परोस दिया। सोचिए, जिस पति ने खाकी के सामने सात फेरे लेकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वादा किया, अब उसी पति ने उसे घर से निकाल दिया। फिलहाल पीड़ित युवती अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए अब जिले के आला अधिकारियों के चक्कर काट रही है। दरअसल जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आज जालौन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए उसे अपने ऊपर बर्बरता की कहानी बयान की है। पीड़िता ने बताया कि जब वो करीब 15 साल की थी तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था और पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ उसका मेल जोल बढ़ गया। मौके का फायदा उठाकर उसने कई बार उसके साथ शारीरिक शोषण किया। जब युवक से शादी की बात कही तो वो आनाकानी करने लगा। इसके बाद 1 सितंबर 2024 को कोंच कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में बॉबी को बुलाकर समझौता कराया, फिर थाने में ही शादी करा दी गई। इसके बाद कोंच पुलिस के सामने ही उसकी विदाई कर दी गई और वो अपने पति बॉबी के साथ अलग मकान में रहने लगी। शादी के बाद से बॉबी ने उसे यातनाएं देना शुरू कर दिया। फिर 19 सितंबर 2024 को बॉबी ने कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं, इन्हें भी खुश कर दो। उसने ऐसा करने पर काफी दबाव डाला, लेकिन जब मैंने इनकार किया तो मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट की और शरीर को जगह जगह सिगरेट से लाया। फिर पति के द्वारा बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। इस बात की शिकायत उसने पुलिस से की, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस उसका सहारा है और ना ही प्रशासन। उसका कहना है कि अगर उसको जिला प्रशासन ने उसके पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो वो अनशन पर बैठने के लिए विवश होगी। मेरी शादी कोंच कोतवाली में 1 सितंबर को करवाई गई थी, जिसके बाद मेरे साथ मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं है, ना हम लोगों की कोर्ट मैरिज है। उसके कोर्ट मैरिज भी नहीं है। और उसके बाद 19 तारीख को क्या हुआ, 19 तारीख को जो मेरे हस्बैंड हैं जिससे मेरी शादी हुई थी, उन्होंने हमें बहुत मारा पीटा और अपने कुछ दोस्तों को लेकर आए, कहने लगे इनका मन भर दो। तो मैंने उनको बुरा भला भी कहा, मतलब बोला भी है, कुछ उल्टा सीधा मैंने भी बोल दिया। फिर उसके बाद उन लोगों ने अपने दोस्तों को भगा दिया और कहने लगी, फिर हमें बहुत मारा पीटा। मारने पीटने के बाद फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाकर मेरे साथ गलत कार्य करवाया, जो मैं चाहती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने करवाया। और बस फिर वो लोग चले गए और हमने इसकी शिकायत SP के यहाँ भी की, कोंच कोतवाली में भी की, ऑनलाइन पोर्टल भी किया, हर जगह की मेरी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई है। अब आप जिला अधिकारी के आई हैं, यहाँ से क्या आश्वासन मिला और क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए बस। अधिकारी की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ अधिकारी के पास आई, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने एप्लीकेशन रख दिया, कहने लगे कि ठीक है, कार्रवाई होगी, अगर नहीं हुई तो हम फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। एक महिला ने अपने पति व पति के दोस्तों ने मिलकर उसके साथ गलत कृत्य करने का आरोप लगाया है। प्रकरण संज्ञान में आते ही पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।